जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ गया हूं दोस्तों। भर्ती के पैटर्न में बहुत बड़ी बदलाव कर दिया गया है, यानी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ी बदलाव किया गया है, जो कि सभी अभ्यर्थी सभी कैंडिडेट जो भी आर्मी के तैयारी करते हैं उन्हें जानना बेहद जरूरी है। अब नए तरीके से दोस्तों भर्ती होने जा रही है दोस्तों। सभी जानकारी एक एक करके बारीकी से आपको जानना होगा और इस वीडियो में सभी जानकारी मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी दोस्तों आपको मिलने वाली है एक कैंडिडेट के माध्यम से वह भी सही और सटीक। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी को जानते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आज ही का यह न्यूज़पेपर है जो कि दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित किया गया है 26 जनवरी 2023 शाम 6 बजे का दोस्तों। यह खबर है जो कि भर्ती प्रक्रिया में पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है दोस्तों। अब आपको ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद आपको दौड़ होगा, जैसे कि एसएससी जीडी है आपको पहले एग्जाम होता है सीबीटी एग्जाम, उसके बाद दोस्तों आपको फिजिकल कराया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अब रक्षा मंत्रालय ने यहां पर भी सिलेबस बदल दिया गया है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं आपको रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निवीर सेना भर्ती का पैटर्न बदला गया है। इसके तहत सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा होगा, इसके बाद दौड़ होगा। वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए दानापुर में महिलाओं की भर्ती होगी। भर्ती के लिए अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन 10 फरवरी के जारी होने जा रहा है दोस्तों। अब नया आपको नोटिस भी जारी होने जा रहा है जिसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे आइएगा तो सब कुछ आपको बारीकी से यानी डिटेल में दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निवीर सेना भर्ती में पैटर्न में बदलाव किया गया है। साल में 2 बार अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। 10 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुल जाएगा, पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अप्लाई करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा भी होगी, यानी दोस्तों आपको 10 फरवरी का नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा दोस्तों। कटअप के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, यानी दोस्तों एग्जाम होगा जो कि कटअप आएगा यानी रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको दौड़ कराया जाएगा। दौड़ में निकलने के बाद मेडिकल जांच होगा, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस बार केवल मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के अधीन आने वाले जिले के युवाओं की भर्ती की चक्कर मैदान में ली जाएगी। वही वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए यानी महिलाओं के लिए दोस्तों आपको भर्ती दानापुर में ली जाए। बता दें कि पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दौड़ शुरू होती थी, उसमें निकलने के बाद मेडिकल जाँच, उसके बाद लिखित परीक्षा ली जाती थी। लेकिन 2023 और 24 के लिए अग्निवीर भर्ती रक्षा मंत्रालय के आदेश पर नए पैटर्न पर ली जाएगी, यानी दोस्तों आपको फाइनल हो गया है, अब नए पैटर्न पर आपको भर्ती होने वाली है। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर देने होंगे, हालांकि कितने प्रश्नों का उत्तर कितने समय में देने होंगे इस बात की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। सेना भर्ती बोर्ड के उत्तर बिहार के जो दोस्तों आपको अध्यक्ष हैं कर्नल वबी जस रोटिया ने अग्निवीर भर्ती के पैटर्न के अवगत कराया है, यानी दोस्तों कर्नल साहब जो आपको दानापुर भर्ती बोर्ड के हैं वह बता दिए हैं कि आपको भर्ती के पैटर्न में दोस्तों बदलाव हो चुका है दोस्तों। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 फरवरी से अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी होगी। 5 श्रेणियों में मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया शिवहर सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवा सेना की अधिकारी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी अग्निवीर क्लर्क यहाँ पर सभी ट्रेड के लिए ट्रेड्समैन 8वीं अग्निवीर 10वीं पास श्रेणी में पहली होगी। एनसीसी के लिए सी सर्टिफिकेट भी होगी परीक्षा के लिए, यानी दोस्तों आप जो भी है अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा। तो अग्निवीर सेना भर्ती के लिए नए पैटर्न में एक और बदलाव आया है, एनसीसी के लिए सी सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा ली जाएगी, यानी दोस्तों एनसीसी वाले के भी अब परीक्षा ली जाएगी। पहले एनसीसी वाले सर्टिफिकेट वाले की परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन नए पैटर्न में प्रावधान किया गया है कि लेकिन अंकों में छूट आदि सुविधा दी जाएगी, यानी दोस्तों एग्जाम देना होगा एनसीसी वाले के लिए, लेकिन आप सभी को दोस्तों यहां पर छूट भी मिलने वाला है जिसके पास सी सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों यह खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करें, और इसी प्रकार की खबर और जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे।